सो हेलो स्टार्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आ चुकी हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ, और आज का ब्लॉग होने वाला है जयपुर चौपाटी का ब्लॉग। आज मैं और स्नेहाती एक्सप्लोर करेंगे जयपुर चौपाटी, वहाँ की स्टॉल्स, वहाँ का व्यू, एम्बियंस, एवरीथिंग, टाइमिंग, एंट्री फीस, एवरीथिंग वी आर गोना टू एक्सप्लोर टुडे। ओके, तो चलो चलते हैं बिना देर किए। तो अभी मैं और स्नेहाती आ चुके हैं जयपुर चौपाटी। दिस इज़ द जयपुर चौपाटी एंड दिस इज़ द इवनिंग व्यू ऑफ जयपुर चौपाटी। और इसके सामने, इसके जस्ट सामने एक पार्क है, द्वारका दास पार्क। चलो अंदर चलते हैं और लेते हैं टिकट यहाँ की। ये जगह है यहाँ पे वीडियो बनवाने के लिए, बहुत ही अच्छी फोटोज आएंगी यहाँ पे अगर आप फोटोज क्लिक करवाते हो तो। मैं भी आपको क्लिक करवा के दिखाती हूँ कैसी फोटोज और वीडियोस बनेंगी। I hear the beat. दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉल ऑफ जयपुर चौपाटी आइसक्रीम शेक्स। तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है इस जयपुर चौपाटी में। कबाड़ा होते हुए बंद है, नारायण बंद है, छोटे भटूरे वाली ओपन है। पहले हम लोग सारी शॉप देख रहे हैं कौन कौन सी शॉप है, उसके बाद हम लोग कुछ खाएंगे। वापिस उसी जगह पे आ चुके हैं। फाइनली यहाँ से हमने एंड करा बर्गर किंग से, बर्गर फार्म से। और यहाँ पे कुछ आप लोग अपनी फोटोज बनवा सकते हो, फोटो फ्रेम्स करवा सकते हो, टी शर्ट पे, पिलो पे, कहीं पे भी। इस व्यू को भी लेना है, फोटोग्राफी के लिए करवानी है तो आप लोग करवा सकते हो। तो अभी सबसे पहले हम लोग खाएंगे गोलगप्पे, स्नेहाती की फेवरेट चीज। नहीं खानी तो क्या खाना है? आज से मैं डाइटिंग स्टार्ट करती हूँ, गोलगप्पे खाने का मन नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं है? ये आजकल मैं ज्यादा बेइज्जती करने लगी हूँ व्लॉग में, मोटी हो गई है। बल्कि मैं इतनी मोटी नहीं हूँ। अच्छा, मैंने व्लॉग में ये भी बोला था कि मैं किसी और के ऊपर क्या टोंट दूँ जब मैं खुद हेल्थ में परफेक्ट नहीं हूँ, तो बताओ। ये नहीं बोला था, बेइज्जती कहाँ का, अपनी भी तो बेइज्जती करती हूँ। देखो शिकार कहती हूँ मैं खुद को। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ और भी है, यहाँ पे फोटो शूट्स के लिए तो ना बहुत सारी प्लेसेस हैं। ये सारे सिटिंग एरिया है, देखो इस यादी को, देखो कितने मजे आ रहे हैं। बस बस मैं भी अब ठंडा है यार, पी ले। आप पी सकती हो, ये काम आप कर सकती हो। अच्छा पानी होता है, मैं मान रही हूँ, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि हर कहीं का पानी पी लो। तो बताओ ना क्या खाओगी, जब कुछ खाने नहीं तो जयपुर चौपाटी लेके क्यों आई थी भाई? खा ले, मेरे को तो आपको पता है हेल्थ इश्यूज। यहाँ पे अभी मैं और स्नेहाती लेने जा रहे हैं कोल्ड कॉफी, गर्मी के हिसाब से
अच्छी अच्छी चीजें, फास्ट फूड नहीं खाया जाता यार गर्मी में, अब नहीं खाया जाता, इसीलिए आप अपने लिए कोल्ड कॉफी ले लो। ना खाना खाया जाता ना कुछ भी खाया जाता, बस ऐसा होता पीते रहो। ठीक है, यहाँ पे खड़ी हुई है ऐसे, एंड दिस इज द कोल्ड कॉफी शॉप हियर, चाय वाला ऑल्सो, चाय भी पी सकते हो, कोल्ड कॉफी भी पी सकते हो, सैंडविच, बर्गर, बन मस्का, आइस टी, तंदूरी कॉफी और चाय वाला और स्नेहा इज वेटिंग फॉर हर कॉफी। बस बस एक्शन नहीं दिखाने होते, ये कौन सा वेट हो रहा है, एक्शन नहीं दिखा रही, क्या है ना आजकल मैं कैमरा जैसे सामने आता है मैं एकदम अनकॉन्शियस हो। और इनकी कोई फ्रेंड भी कह रही थी ना कि स्नेहा की सॉन्ग्स क्यों है वीडियोस में, पता नहीं आजकल मैं कैमरा ये इतना बोलती है ना बहुत ज्यादा, वैसे तो मैं बहुत बोलती हूँ पर पता नहीं कैसे बनाती है आपको, नहीं जैसे ही मेरे सामने कैमरा आ जाता है वैसे मेरी बोलती बंद हो जाती है। सीखो मुझसे कुछ, सीख रही हूँ, ट्रेनिंग ले रही हूँ इसलिए तो अभी जयपुर आई, इसलिए तो इन्होंने मुझे बुलाया है कि तुलसी मेरे को ट्रेनिंग देके जा, ट्रेनिंग देके जा बोलने की कैमरे। वैसे गाइस जितना मजा आप अपनी बहन से लेने में आता है ना उतना दोस्तों के साथ भी नहीं आता, बहन को छेड़ने में जितना मजा है ना उतना किसी चीज में नहीं है, सही नहीं बोल रही, छेड़ते रहो बस कभी मोटापे के ऊपर कभी बोलने के ऊपर, छेड़ लो भाई मुझे तो पता है मैं तो कुपोषण का शिकार हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो मैं हूँ वो हूँ, कपड़े पहन के लगता है कि हैंगर पे कपड़े लटका दी हूँ, हैंगर गजब बेइज्जती है। लीजिए आपकी आइसक्रीम वाली कोल्ड कॉफी, ओ माय गॉड कितनी अच्छी बहन हूँ मैं बहुत ज्यादा, देखो कितनी केयर करती हूँ अपनी बड़ी बहन की, कहाँ लेके जा रही हो भाई मुझे, दीदी कहाँ जाके बैठोगी, पैसे तो दिए नहीं, पैसे नहीं देके आए हम लोग वो समझ रहे होंगे लेके गई, पैसे देके आती हूँ पहले आती हूँ। स्नेहा रिव्यू दो अपने, कैसा मुंह बना, गंदी है ऐसा लग रहा है कि गर्म पानी, कोल्ड कॉफी कोल्ड होती है ये गर्म पानी है, और उसमें आइसक्रीम डाल दी हो, उसमें आइसक्रीम डाल दी ऊपर से बस इतना कर दिया, इन्होंने दुनिया तो अच्छे रिव्यूज देती है ये तो गंदे रिव्यू दे रही है, बहुत ही गंदा, इसका तो मैं कहूंगी बहुत ही गंदा, चलो कुछ और टेस्ट करेंगे चीजें तभी हम अच्छे से रिव्यू देंगे कि ये अच्छी प्लेस है खाने के लिए या फिर नहीं, ठीक है अभी कुछ और खाएंगे तब बताना। मैं लास्ट टाइम आई थी तो मैंने छोले भटूरे और वो खाया था मसाला डोसा, तो वो तो अच्छा था यार, पर कोल्ड कॉफी शायद उन लोगों ने अच्छी नहीं बनाई हो सकता है, मैंने कोल्ड कॉफी पी ली अब उसको खाने के बाद मेरा कुछ खाने के पीने के बाद उसको खाने के बाद इनका मूड थोड़ा सा डाउन हो चुका है, इसीलिए मैं गोलगप्पे खाऊंगी क्योंकि अगर जयपुर शव पार्टी में कुछ खाया नहीं तो आना बेकार है, इसीलिए कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, तो मैं गोलगप्पे खा लेती हूँ, ज्यादा कुछ तो खाऊंगी नहीं बाहर का, और कुछ खाया नहीं जाएगा अकेले, इस न्याली को खाना है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बस यार, इतना ज्यादा बेइज्जती कर दी सबकी, मैं तुलसी गोलगप्पे खाने आ चुकी है, अब तुलसी का रिव्यू देखते हैं कैसी लगती है इसको गोलगप्पे, हेलो चले गोलगप्पे कैसे थे, अदर सारी चीजें कैसे कर सकती है यार, गाइस मैंने तो यहाँ के गोलगप्पे ट्राई किए थे जो कि अच्छे थे यार, मैंने खाया है यहाँ का खाना अच्छा है, आप उसे कोल्ड कॉफी पी के कैसे रिव्यू दे सकते हो किसी को, एवरीथिंग वाज गुड हियर गाइस, गोलगप्पे भी अच्छे थे जो कि 40 रुपए के 6 पीस थे ना, मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पे अनिल भैया और बबीता, कुल मिला के अच्छी प्लेस है जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ आके बैठ सकते हो, कोल्ड कुछ भी पीना कोल्ड, और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पे आप कितनी भी देर बैठ सकते हो, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जाओ या फिर मत बैठो, लेके आए बैठेंगे क्यों नहीं भाई, 10 रुपए के टिकट के हिसाब से, एक बात बोल रही हूँ आप लोगों को सारी चीजें अवेलेबल हो रही है यहाँ पे, खाना पीना मजे करना घूमना फिरना वीडियोज बनवाना फोटोज बनवाना बैकग्राउंड एनवायरमेंट, एक बात बताओ क्या जा रहा है 10 रुपए देने में, एटलीस्ट आप बहुत देर तक बैठ तो सकते हो लेकिन रेस्टोरेंट वगैरह में आप लोग नहीं बैठ पाते यार, ओके आज के लिए इतना ही नहीं अभी बाहर चलते हैं, तो बस जयपुर चौपाटी से हम लोग आ चुके हैं, जयपुर चौपाटी से बचपन में अकेली थी तो इसका अकलापन अभी तक नहीं गया, जयपुर चौपाटी से हम लोग आ चुके हैं बाहर, ये आपको ये वाला पार्क देखना है सामने, चलो एक बार देख के तो आते हैं क्या है यहाँ पे, वी आर टेकिंग एंट्रिंग द्वारका दास पार्क, सो लेट्स गो, दिस इज द पार्क हियर,
दी यहाँ पे तो अंधेरा है, चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से तो चलो। हम अभी पार्क आए थे, पार्क में इतना अंधेरा तो हमें वापस जाना पड़ रहा है, हमें वापस जाना पड़ रहा है, हम वैसे ही डरपोक लोग हैं, चलते हैं यहाँ से। गाइस आपको पता है यहाँ पे कितनी अच्छी स्ट्रीट है पर चौपाटी और पार्क के बीच में, इतनी प्यारी, ऐसा लग ही नहीं रहा ये इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में जैसी स्ट्रीट्स नहीं होती, बिल्कुल ऐसी है ना ये वाली लाइटिंग। अभी दिखाती हूँ एक सेकंड, ये वाली स्ट्रीट, ओहो है ना एकदम प्यारी सी, साइड में लाइटिंग लग रही है, यहाँ पे कोई भी वॉक करके वीडियोस बनवाना चाहे तो कितनी प्यारी आएगी। यहाँ दी कहाँ गई, और एंट्री यहाँ से भी है और उधर की साइड से भी है, हम लोग जब आए थे उधर से आए थे, अभी हम लोग जाएंगे इधर से। हमारा जयपुर चौपाटी का ब्लॉग बन चुका है, अभी हम मैं और स्नेहादी जा रहे हैं वापस अपने रूम पे, टाइम हो चुका है हमारा, हम बस इतनी देर तक ही रहते हैं बाहर, ज़्यादा देर तक नहीं रहते, हम सिर्फ 7 बजे आए थे और 7:45 पे वापस जा रहे हैं, इतनी देर के लिए बाहर निकलते हैं दिन में।